ओके, क्वेश्चन नंबर 21 to 30, चैप्टर 32, SCV 2। ओके गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई फर्स्ट दिस क्वेश्चन ट्वाइस एटलीस्ट, देन यू सी द सोल्यूशन, यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। ओके, स्टार्ट करते हैं 21 से। कंसिडर एन इज इक्वल टू N1 × N2 आइडेंटिकल सेल्स, टोटल इतने हैं, ईच ऑफ द EMF ई एंड इंटरनेशनल्स आर, सपोज N1 सेल्स आर ज्वाइंड इन सीरीज टू फॉर्म द लाइन, ऐसे सीरीज में N1 लगा दिए और क्या किया N2, और इस तरह की N2 सच लाइन्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, ऐसे सिमिलर लाइन्स ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। द कॉम्बिनेशन ड्राइव द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसमें फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखो, पहले इसका नेट EMF सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाते, तो N1 टाइम्स ऑफ ई, और पैरेलल में फिर उसका उतना ही रहता है, इट डजेंट चेंज, आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लगा दो तो उतना ही रहता है EMF, ठीक है। बट रेजिस्टेंस देखेंगे, इन सीरीज में रेजिस्टेंस N1 × R हो जाएगा, और उतने ही पैरेलल लाइंस हैं, तो कितनी है N2, तो N2 से डिवाइड करेंगे, पैरेलल में R/N हो जाता है, ईच रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो ये एक ब्रांच का है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो ये पैरेलल में निकाल के देख सकते हो, तुम पहले सीरीज करो फिर पैरेलल, तो N1 × N2, और ये नेट इंटरनेशनल आ गया, वो एक्सटर्नल के साथ सीरीज में होता है, तो नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज, नेट इंटरनेशनल इज ऑलवेज इन सीरीज विद नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके साथ वो ले लिया सर, है ना। नाउ विल यूज द ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट EMF इतना आया, नेट रेजिस्टेंस इतना आ गया पहले एक्सटर्नल के साथ ऐड होके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर देखेंगे अभी, तो एज्यूमिंग दैट N1 and N2 कैन बी कंटिन्यूसली वेरीड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन N1 and N2 एंड R एंड स्मॉल R, फॉर विच द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज मैक्सिमम। ओके, तो करंट की इक्वेशन ये वाली, थोड़ा इसको LCM ले लिया, ये N2 ऊपर आ गया, तो ये लिखी, इसको N1 × N2 को हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं। नीचे का टर्म देखते हैं अभी, डिनोमिनेटर में ये टर्म को रूट के अंदर रखेंगे तो स्क्वायर कर सकते हैं दोनों को अलग अलग, तो अभी ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अब अपने स्क्वायर वाला टर्म से A² + B² का फार्मूला क्या होता है, A - B² + 2AB, तो इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो नाउ डिनोमिनेटर जब मिनिमम हो जाए तब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम क्या हो सकता है, ये वाला टर्म जीरो हो सकता है, है ना, ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये टर्म जो है जीरो करवा लो, इसको जीरो लिख देंगे, तो जीरो लिखा और राइट साइड में बेच के स्क्वायर कर लिया, तो ये रिलेशन आ गया, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट कैन बी सॉल्व, दिस इज द वन मेथड, दूसरा मेथड मैक्सिमम मिनिमम से निकाल सकते हैं हम लोग। अल्टरनेट मेथड में करंट की इक्वेशन फिर से मैंने वापस यहाँ पे लिखी, और यहाँ से N2 रिप्लेस कर दिया, N/N1 हो जाएगा, बिकॉज N1 × N2 वाज इक्वल टू N, तो N2 इसलिए रिप्लेस किया, अभी N1 के टर्म्स में आ गए, बाकी सब कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम मिनिमा से DI/DN1, N1 वेरिएबल है, उसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे, और उस इक्वेशन जो आती है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का यही रहता है, वेरिएबल के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल करो आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो उससे किया हमने ऐसे, तो दिस इज व्हाट इज द रिलेशन, तो ये रिलेशन को हम वापस इसमें पुट करके सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ता है वैसे, चेक करने के लिए मैक्सिमम है या मिनिमम है, सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, वो अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आता सेकंड डेरिवेटिव तो मैक्सिमम, तो इसमें हम लोग चेक नहीं कर रहे, यू कैन जस्ट चेक इट सेकंड डेरिवेटिव करके, तो यही कंडीशन फिर से आ रही है जो ऊपर देखी थी हमने, विदाउट डिफ्रेंशिएशन से भी सेम कंडीशन आ रही, तो फिजिक्स में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑफकोर्स अगर मैक्सिमम मिनिमा है तो पूछेंगे, तो देन यू हैव टू चेक इट, अगर बोले जाएगा मैक्सिमम निकालो या मिनिमा निकालो तो वो वही कंडीशन होती है, बट दोनों में से कौन सा है तो फिर सेकंड डेरिवेटिव करके बताना पड़ता है। ऑलराइट, तो दिस इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन
22 बैटरी ऑफ ईएमएफ फिर गिवन रेजिस्टेंस इतना है, ये बैटरी है उसका, उसके पास रेजिस्टेंस इतना है सीरीज में लगाया हुआ। दिस सिस्टम इज़ यूज एज ए सोर्स टू सप्लाई करंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, इसको इफ़ आर इज़ नॉट ग्रेटर देन 100 ओम द करंट थ्रू इट इज़ कॉन्स्टेंट अप टू द टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, फाइंड इट्स वैल्यू, करंट की वैल्यू निकालना है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट सोर्स, कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो ओम्स लॉ से ई नेट अपॉन आर नेट ये दोनों सीरीज में होंगे, तो एक ही बैटरी है तो ये पुट कर दिया। नाउ ये जो नॉट टू एक्सीड 100, तो जीरो से लेकर 100 तक दो एक्सट्रीम लिमिट का निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। आर जीरो पुट कर दिया इसमें, तो यही बचा रेजिस्टेंस किलो ओम वाला 10 किलो, इससे हमने निकाल के देखा तो 0.01, जिसको 10 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। फिर एक्सट्रीम लिमिट जो 100 तक लिया, 100 तक बोला तो 100 ले लिया, ये वैल्यू पुट कर दी 100 यहाँ पे, तो सॉल्व किया तो 0.009, जिसको हम 0.001 लिख सकते हैं, विच इज़ अगेन इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस। तो प्रीवियस केस, तो मतलब अगर हमने बहुत बैटरी के साथ बहुत हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के रखा है, फिर हमें किसी लो रेजिस्टेंस में करंट सप्लाई करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट करंट कांस्टेंट रहता है, वो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी चेंज भी हुई अप डाउन, तो वी गेट द कांस्टेंट करंट इन द सोर्स इन द सर्किट। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इफ द रीडिंग ऑफ अ मीटर A1 इज दिस मच, इसकी जो है 2.4 एम्पियर है, ऑल राइट, तो व्हाट विल बी द अमीटर्स A2 and A3 रेड, ये A2 and A3 की रीडिंग क्या होगी, नेगलेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। ठीक है, तो A1 and A2 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में ये ब्रांचेस, तो इनका पोटेंशियल सेम रहने वाला है, तो वी विल बी सेम, तो वी विल बी ऊपर वाली ब्रांच से वी इज गोड I1 R2, नीचे वाली ब्रांच थी तो I2 R2 हो जाएगा, ये तो ये तुम्हारा I1 R1, ये I2 R2, तो वैल्यू पुट कर दी। I1 इज गिवन 2.4, रेजिस्टेंस ऊपर वाले का 20 है, नीचे का 30 है, तो I2 नीचे वाले इसका I2 मिल जाएगा 1.6, दोनों करंट इधर से होके आ रहे हैं, यही डिवाइड हो रहा है, तो ऐड कर दिए, ये दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल करंट यहाँ से अप्रोचिंग वाला मिल जाएगा 4 एम्पियर, तो A3 की रीडिंग 4 एम्पियर होगी। फिर चौप ला से दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। 24th पे चलते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट शोन इन द फिगर इज 30, इसका 30 है, नेगलेक्टिंग द टोटल 30 है, नेगलेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस, इसका नेगलेक्ट कर दो रेजिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द मीटर एज रियोस्टेट इज वैलिड। तो आर स्ट्रेंथ फॉर रेजिस्टेंस का, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आर ले लिया, उसको फिर देखते कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे, तो इन दोनों का पहले निकाल लिया, आर उसके साथ सीरीज में है तो ये आ गया। तभी ओम्स लॉ से करंट की इक्वेशन लिखी, ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये आ गई। तो अभी इसको ये जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पे ले आओ, तो रेजिस्टेंस पूरा बाईपास हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो मिनिमम ज़ीरो कर सकते हैं रेजिस्टेंस उसका, तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो सॉल्व किया तो 0.825 आ गया। मैक्सिमम इसको 30 तक ला सकते हैं, पूरा एक्सट्रीम पॉइंट तक, ये पूरा करंट फिर इधर से घूम के ऐसे जाएगा, तो मैक्सिमम कैन बी 30, तो वो पुट कर दिया यहाँ पे 30, सॉल्व किया तो 0.145 करंट डिक्रीज हो गया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस में, रियोस्टेट में हम ऐसे चेंज कर सकते हैं सर्किट का करंट, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। 3 बल्ब्स ईच हैविंग द रेजिस्टेंस 180 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी ऑफ EMF 60 वाट, फाइंड द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी व्हेन ऑल थ्री आर स्विच डन। तो तीनों स्विच ऑन करेंगे पैरेलल में है, तो आर बाई थ्री हो जाएगा रेजिस्टेंस, 180/3 से 60 आ गया, तो ओम्स लॉ से करंट निकाल लिया, आई इज इक्वल टू E/R net, 1 एम्पियर आ गया। जब दो ऑन किए तो 180 and 180 पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस 90 आ गया, तो ओम्स लॉ से सेम बैटरी के लिए करंट इतना आ जाएगा। तीनों ऑन किए तो दो एक ही ऑन किया तो 180 रहेगा सर्किट में,
तो 60/180 1/3 ऑफ एम्पियर 0.33। तो जब सिंगल ऑन किया तो मिनिमम करंट है, तीनों ऑन किए तो मैक्सिमम करंट है। इसलिए जब घर में सब फुल लोड होता है, सारे डिवाइसेज ऑन होते हैं, तो मैक्सिमम करंट फ्यूज से होकर आता है वायरिंग में, इनपुट वायरिंग में मैक्सिमम करंट आता है। तो इट इज़ एट रिस्क, तो इनपुट वायरिंग पूरे फुल लोड पे होती है, करंट ज़्यादा होता है, ओवर हीटिंग हो सकती है, मेल्टिंग, पुरानी वायरिंग में मेल्टिंग हो जाती है या फिर फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, तो फिर से हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। सपोज यू हैव द थ्री रेजिस्टेंस 20, 50 and 100, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम जब पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उसका पैरेलल वाले फार्मूले से 22/5 आ रहा, 12.5। मैक्सिमम कब होगा, जब सीरीज़ में लगा दोगे, ऐड कर दो सिंपली ऐसे, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो 170 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 27 पे चलते हैं। अब बल्ब इज मेड ऑफ द टू फिलामेंट्स ए, टू फिलामेंट्स, अ स्विच सेलेक्ट्स वेदर द फिलामेंट्स आर यूज इंडिविजुअली और इन पैरेलल। व्हेन यूज्ड विद द 15-volt बैटरी द बल्ब कैन बी ऑपरेटेड एट 5, 10 and 15 watt, वॉट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। है ना, सपोज ये दो फिलामेंट हैं ऐसे बल्ब के, ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, तीन कंडीशन दी हैं, तो उसमें से हमें आइडिया लगाना है कि कौन कौन से दो हो सकते हैं। तो पहले केस में पावर पी है तो 45 ओम आ रहा है। सेकेंड केस में ये फार्मूला लगाया पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सेकेंड केस में पावर 10 है तो 22.5 आ रहा है। थर्ड केस में पावर 15 है तो 15 आ रहा है ना, तो दो ही हैं लेकिन, तो कौन कौन से हो सकते हैं। सपोज देखो 45 and 22.5 को सेलेक्ट किया, इंडिविजुअल किया तो इतनी इतनी पावर आ जाएगी ये, बट दोनों को पैरेलल में लिया अगर हमने तो नेट रेजिस्टेंस इसका देखो कैलकुलेट करके इट कम्स टू बी 15। यहाँ पे हमने लिखा भी है टू रेजिस्टेंसेस, ये आंसर ये हो जाएगा इफ़ इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन इज टेकन, तो इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन विल गिव अस 15। इसका पैरेलल निकाल के देखेंगे तो 15 आएगा, तो यही दोनों होंगे, उससे तीनों केसेस कंट्रोल हो सकते हैं। 28 देखेंगे अभी। फिगर शोज द पार्ट ऑफ द सर्किट इफ करंट ऑफ द 12 mA एग्जिस्ट इन दिस 5 kΩ। इसमें 12 है मिली में, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द करंट्स इन ईच, है ना, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट्स इसमें देखो, सपोज I1 लिया हमने, तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, I1 विल बी दिस R2/R1+R2 इंटू टोटल करंट। इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला, इसमें करंट चाहिए तो ये मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट की बात करें तो R2/R1+R2 इंटू द करंट अप्रोचिंग, है ना, तो ये पुट कर दिया तो इसमें 4 आ गया, तो टोटल 12 था, तो नीचे वाले में 12 - 4 = 8 हो जाएगा। ये दोनों फिर से ऐड होकर इसके साथ जाए, इस पर चले जाएंगे 12। नेट रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ का, तो इसका नेट निकाल लो, इसका नेट रेजिस्टेंस दिस और इसका पैरेलल का, और ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे, तो पहला वाला और पैरेलल वाले का नेट निकाला और लास्ट वाला, ऐड कर दिया तीनों, किलोमीटर 10/3 बाहर निकाला, इनटू टोटल करंट, ये मिली में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना VA भी आ जाएगा, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यू कैन सी दिस। ट्वेंटी नाइन्थ पे आते हैं। एन आइडियल बैटरी सेंड्स द 5 ampere करंट इन द रजिस्टर, इसमें 5 ampere भेज रही, तो ओम्स लॉ से I1 = V/R, I1 फाइव है, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये R, तो पहली इक्वेशन आ गई। फिर इनदर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज कनेक्टेड इन पैरेलल, यहाँ पे 10 ohm लगा दिया हमने, तब क्या हो रहा है, करंट 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल का नेट कॉम्बिनेशन इतना आ जाएगा R1 R2/R1+R2, तो I2 करंट इस बैटरी वही है,
तो कितना हो गया करंट 6, रेजिस्टेंस एक्चुअली कम हो जाता है ये वाला पैरेलल में। तो ये एक क्वेश्चन लिखे आर नेट, ये वाला टर्म ऊपर चले जाएगा, तो डिवाइड करेंगे दोनों क्वेश्चन को 1 इंटू 5/6, तो v बाई आर कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर आ गया, आर प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ से तो देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है केवल, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो इस पॉइंट का भी ए होगा, और यहाँ का पोटेंशियल बी है तो इस पॉइंट का भी बी होगा, बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा इधर से। तो ए एंड बी, ए यहाँ पे लिखा हमने, बी यहाँ पे, तो पहला रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में है, ये वाला भी देखो ए एंड बी के बीच में है, ये वाला भी, तीसरा वाला भी ए एंड बी के बीच में, यहाँ पे बी लिख लो पास में, तो ये भी ए एंड बी के बीच में, तीनों पैरेलल में हो गए, तो आर बाई 3 आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले से। अगर पॉइंट तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सी एंड डी दिए होते, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी इज नथिंग बट ए एंड बी ओनली, यहाँ पे सी एंड डी, तो तभी भी वही होता आंसर आर बाई 3 है ना, बोलेंगे सी एंड डी के बीच में निकालो। सी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के बराबर ही है, डी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर ही है, तो यहाँ से पूछें ए बी का नेट रेजिस्टेंस या सी डी का, सेम आंसर होगा। गॉट इट, थैंक यू।